फाइनली दोस्तों आज आप देख रहे हैं 2022 की बजाज पल्सर RS 200 डुअल चैनल ABS ग्रे कलर में, जो कि एक फुली फेयरिंग स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक है। इसके फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितना देती है, कीमत की बात करें तो इसकी एक्सोरूम कीमत है 1,74,773 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,09,862 रुपये। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से, तो इसके जो साइड मिरर हैं वो आपको इसके वाइजर के ऊपर में देखने को मिलते हैं, जिनको ऊपर और नीचे दोनों जगह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। विंडशील्ड मिल जाता है ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी। बाकी इसमें आपको मिल जाते हैं LED वाले टर्न इंडिकेटर। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी जो LED DRL हैं वो आपको बोहे की टाइप की, मतलब कि आईब्रो टाइप की देखने को मिलती हैं, और जो ड्यूअल LED प्रोजेक्टर हैं वो आपको आंखों की तरह देखने को मिल जाते हैं। मतलब इसका जो फ्रंट लुक है, जैसा कि मैं अभी इसके LED प्रोजेक्टर को ऑन कर देता हूँ, अगर ये प्रोजेक्टर ऑन होते हैं तो यहाँ पर आपको OWL आउल, मतलब कि आउल जैसा यहाँ पर आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। आगे वाला जो मडगार्ड है वो आपको थोड़ा सा कार्बन टच का मिल जाता है, जो कि फुली फाइबर बॉडी के साथ है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश टाइप के यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मोटे हैं। सेफ्टी की बात करें तो फ्रंट में आपको 300 mm डायमीटर की डिस्क मिल जाती है, बायब्रेक के कैलिपर मिलते हैं जो कि ब्रेकिंग के लिए काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं। 180/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 17 इंच का ब्लैक कलर का एलोबिल मिलता है और वाइट कलर के स्टीकर के साथ। फेयरिंग के नीचे में देखें तो यहाँ पर 200 का ग्राफिक्स दिया गया डुअल टोन कलर के साथ। जैसा कि ये फुली फेयरिंग बाइक है तो यहाँ पर आपको तरह तरह के थोड़े से एरोडायनामिक यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैट फिनिश, यहाँ पर आपको एरोडायनामिक डिज़ाइन का यहाँ पर यूज़ किया गया। टोटल फाइबर बॉडी नीचे से ऊपर तक यहाँ पर आपको मिल जाती है। 157 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, इसमें आपको किक नहीं मिलती है। DTSI ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है। इसके साथ ही इसका जो सिलेंडर हेड है वो एकदम फ्लैट मिलता है KTM की बाइक्स की तरह। इसमें आपको मिलता है 199cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व DTSI Fi इंजन, जो 24.5 PS की पावर देता है 9,750 RPM पर और 18.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है 8,000 RPM पर। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है और इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर आपको रेडिएटर कूलिंग सिस्टम मिलता है कूलेंट टेक्नोलॉजी के साथ। इसके साथ ही इसमें आपको माइलेज मिलता है 30 से 35 का। अगर आप इसको लोकल में चलाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा माइलेज आपको निकाल कर दे देगी। यहाँ पर ब्रेक पैड, एडजस्टेबल सस्पेंशन और इसके साथ ही एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जॉस्ट का जो कवर है वो पूरा का पूरा आपको फाइबर में मिलता है। यहाँ पर मेटल यूज नहीं किया गया, यहाँ से इसका धुआं निकलता है। इसके साथ ही अगर हम रियर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर और यहाँ पर मड फ्लैप मिल जाता है, जिससे सस्पेंशन गंदा ना हो। और पीछे में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन और यहाँ पर आपको बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है। पीछे में आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है ABS के साथ, जैसा कि ये डुअल चैनल ABS वाला मॉडल है। ये है पीछे वाले व्हील को एडजस्टमेंट करने का पार्ट। इस पार्ट से आपको पता चलता है कि आपका जो पीछे वाला व्हील है वो लेफ्ट में है या राइट में है या सेंटर में है। पीछे वाले टायर की मोटाई है 130 mm, यही मोटाई आपको मिल जाती है पल्सर N160 और N250 में। इस बाइक का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका टेल लाइट सेक्शन। इसमें आपको LED टेल लाइट मिल जाती है स्प्लिट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्पोर्टी लुक देती है इस बाइक को। और LED वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। पीछे में आपको नुकीली सी यहाँ पर आपको चोंच देखने को मिल जाती है इसके पीछे वाले पोर्शन में। RS 200 का स्टिकर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें आपको ग्रैब रेल नहीं मिलते हैं, कुछ यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, यहीं से आप इसको ग्रैब रेल के तौर पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। यहीं से राइडर भी इसको कंफर्टेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पीछे की जो सीट है वो थोड़ी सी आपको ऊंची मिलती है। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है राइडर और पिलियन के लिए। इनकी कुशन काफ़ी अच्छी है, 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है। साइड बॉडी पैनल आपको जाली के टाइप का मिलता है, जो कि फुली फाइबर बॉडी में दिया गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। इसका जो पेट्रोल टैंक है वो NS 200 से काफ़ी ऊंचा है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कवरिंग देखने को मिल जाती है रबड़ के साथ। यहाँ पर आपको मैट फिनिश और ऊपर में पल्सर का 3D में लोगो दिया गया है। इस बाइक में 13 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है और यहाँ से इसके पेट्रोल टैंक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आपके जो बाइक चलाते समय जो घुटने हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हग कर सकें। फुली फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है। ऊपर में आपको पेट्रोल टैंक का
कैप मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लिप ऑन बार टाइप की हैंडल बार मिलती है जो कि एडजस्टेबल है। सस्पेंशन भी एडजस्टेबल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बेव की मिल जाती है। मीटर कंसोल यहाँ पर आपको वही मिलता है जो आपको NS200 में देखने को मिलता है, जो कि सेमी डिजिटल है। यहाँ पर ABS फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पर RPM मीटर, यहाँ पर बजाज और यहाँ पर चेक इंजन, ऑयल इंडिकेटर, इंजन हीटिंग टेम्परेचर, हेडलाइट, लो बैटरी की वार्निंग, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको हेडलाइट की इंडिकेशन वार्निंग मिल जाती है। दूसरी तरफ की जो डिस्प्ले है इसमें आपको मिलता है डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ट्रिप वन ट्रिप टू मिल जाता है, ट्रिप की फाइनल रीडिंग देखने को मिल जाती है। इस बाइक में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और DTE डिस्टेंस टू MT की रीडिंग इसमें नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिलता है। स्विच में भी आपको ब्लू कलर की लाइट मिलती है। अपर डिपर, यहाँ पर बार एंड मिल जाते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर और नीचे आपको हॉर्न का बटन मिलता है। दूसरी तरफ आपको इंजन किल का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। इस बाइक के कर्व वेट की बात करें तो इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 166 kg और इसका जो डायमेंशंस हैं और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर साडी गार्ड मिल जाता है और यहाँ भी आपको एडजस्टर मिल जाता है पीछे वाले व्हील के लिए। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको सस्पेंशन दिया गया है और यहाँ से आप इसकी चेन को भी देख सकते हैं जो कि प्लास्टिक के ऊपर में रखी गई है। इस बाइक में एडजस्टेबल फुटरेस्ट और इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं जो आपको NS200 में भी देखने को मिलते हैं। साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो F250 है इसमें आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं और 2 वाल्व के साथ आती है, और ये N250 है इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाते हैं, ये भी 2 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं RS200 के छोटे भाई की, मतलब कि NS200 की, तो ये NS200 है और इस बाइक में आपको 6 गियर मिल जाते हैं। इसका जो इंजन है वो 4 वाल्व के साथ आता है। अगर मैं बात करूँ दोनों के बाप की, मतलब कि D250 मतलब कि डोमिनार 250 की, तो इसमें भी आपको 6 गियर मिल जाते हैं 4 वाल्व के साथ। प्राइस की बात करें तो NS200 की ऑन रोड कीमत है 1,72,700 रुपये और RS200 की ऑन रोड कीमत है 2,09,862 रुपये और N250 F250 की ऑन रोड कीमत है 1,80,632 रुपये रोल्टा बजाज बागुआटी कोलकाता में। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो बाइक के मॉडल का नाम, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।